इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेल रोड स्थित विजय भांगखोटा के सामने यह हत्या की गई है। मोनू की हत्या जिन बदमाशों के द्वारा की गई है वह उसके घर के आसपास ही रहते थे। बता दें कि पूरा मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमन बाग चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर चिमन बाग चौराहे पर देर रात मोनू कल्याण अपने साथी के साथ में आज निकलने वाली भगवा यात्रा के बैनर पोस्टर क्षेत्र में लगवा रहे थे। इस दौरान वहां पर मोनू कल्याण के घर के पड़ोस का रहने वाला पीयूष और अर्जुन नामक दो युवक पहुंचे, पुराने बात को लेकर विवाद करने लगे। इस दौरान मोनू कल्याण और बदमाश पीयूष और अर्जुन में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान बदमाश पीयूष और अर्जुन ने अपने पास मौजूद पिस्टल से भाजपा युवा मोर्चा के नेता मोनू कल्याणे पर पिस्टल से फायर कर दिया। आरोपियों ने यहां पर फायर इतनी पास से किया कि भाजपा युवा मोर्चा के नेता मोनू कल्याणे की को गोली सीने में लगी और इसके बाद में जब बदमाशों ने मोनू कल्याणे पर पिस्टल से फायर किया तो साथ में मौजूद युवक बदमाशों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े, लेकिन बदमाश मोनू कल्याणे को फायर कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद में मोनू कल्याणे का दोस्त उसे नज़दीकी अस्पताल में लेकर पहुंचा, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी जिसके चलते मोनू को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही इसकी सूचना लगी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोनू कल्याण बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक माने जाते हैं। वहीं मृतक बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भी थे। मोनू कल्याण की हत्या की सूचना जैसे ही उसके समर्थक और परिजनों को लगी, इसके बाद गुस्सा आए परिजनों ने अर्जुन और पीयूष के घर पर धावा बोल दिया। यहां पर दो आरोपी हैं अर्जुन और पीयूष, जिन्होंने इस गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद में मोनू कल्याण के समर्थकों के द्वारा इन दोनों के घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगा दी गई। वहीं पर घर में घुसकर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई है। वहीं पर पुलिस अभी पूरे मामले में जाँच की बात कह रही है। हाँ, देर रात मोनू कल्याण जो युवा मोर्चे के पदाधिकारी थे उनके साथ में दो लोगों के द्वारा ऐसी हरकत की गई है जिसमें से गन शॉट से उनकी मृत्यु हुई है और आरोपी लगभग क्लियर हो चुके हैं और उनकी पताशरी की टीम रवाना है हमारी। कितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? दो लोगों के नाम सामने आए हुए हैं और वो अर्जुन और एक अन्य व्यक्ति है, तो उन दोनों के लिए तलाश जारी है। सर, आज कोई रैली भी निकलने वाली थी, क्या उसको लेकर विवाद था, भगवा रैली? हाँ, कुछ वाहन भगवा रैली के संबंध में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे थे रात में, तभी एक ऐसी वारदात हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि आज शाम को 4 बजे वो रैली थी और जिसके मेन कर्ता मोनू कल्याण ही थे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।